सो गाइस, खास आप लोगों के डिमांड पर मैं लेके आया हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे टूल्स। स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं सार्दव ट्रेडिंग, मेरा नाम है हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे टूल्स देने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को कॉल और पुट करने में बहुत सारी मदद करेगा और इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके और टाइम फ्रेम चेंज करके भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम पे सभी इंडिकेटर को इजिली यूज कर सकते हैं। और मैंने खास बहुत सारा टाइम लगा करके सभी इंडिकेटर को बारीकी से चेक करके आप लोगों के लिए लाया हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग बिना कुछ भी पैसा दिए फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बस 1 क्लिक पे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर हैं, कैसे यूज करना है और जितने भी इंडिकेटर हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, सारे बहुत अपने आप में सारे के सारे खास हैं। तो वीडियो को बारीकी से देखिएगा, कौन सा इंडिकेटर कैसा काम करता है, कैसे हमें बाय लेना है, कैसे हमें सेल करना है। तो एक एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग करने में और ज्यादा आसानी होगा। और एक खास बात, वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सा सरप्राइज रखा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को बड़ा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने MT4 पे और जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर होने वाला है वो MT4 के लिए होने वाला है, क्योंकि जितने भी मेरे ज्यादातर सब्सक्राइबर हैं वो MT4 और MT5 पे ट्रेडिंग करते हैं, इसी वजह से मैंने MT4 पे सॉफ्टवेयर लाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग व्यू के लिए भी सॉफ्टवेयर लाऊं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो कमेंट में यस करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे इंडिकेटर को ट्रेडिंग व्यू के लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर दिखाना चाहता हूं, ये वाला, जो कि वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको 2 कंफर्मेशन मिलता है, 2 कंफर्मेशन के बाद आपको ट्रेड लेना। जैसे यहां पर आपको 2 एरो दिख रहा होगा, कहीं कहीं पर सिंगल एरो दिख रहा होगा, तो यहां पर आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए यहां पर एक हमें बाय का मिला सिग्नल, लेकिन सेकेंड वाला जो हमें सिग्नल मिला है, फर्स्ट वाले में हमें एंटर नहीं होना है। जब हमें दूसरा एरो मिलेगा वहां पर हमें एंटर हो सकते हैं। सेल के लिए भी हमें सेम क्या करना है, जैसे यहां पर देख सकते हैं हमें एक येलो कलर का पहला सिग्नल मिला है, लेकिन जो दूसरा सिग्नल मिला है वो रेड कलर का है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये रीपेंट बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मैं आपको कहीं कहीं पर दिखाऊंगा कि हमें सिग्नल मिला है लेकिन मार्केट वैसा चला नहीं। कभी कभी ऐसा होता है और अधिकतर लेकिन ऐसा होता है कि अगर ये सेल बोला है तो कैंडल सेल बनती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें बाई का सिग्नल मिला है, तो बाई गया है मार्केट। फिर और मैं एक जगह दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला है लेकिन कैंडल सेल की नहीं बनी, ये कैंडल बाई का बना। सेल का कैंडल कैसा बनता, रेड कलर का। लेकिन देखिए हमें पहला सिग्नल यहाँ पर ऊपर में मिला है, दूसरा हमें जो कन्फर्मेशन मिला है वो हमें इस वाले कैंडल पर मिला है, तो लेकिन ये वाला कैंडल हमारा बुलिश बना है। और जैसे यहाँ पर देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर रीपेंट होता है, यहाँ पर देखिए रीपेंट नहीं है, यहाँ पर इसने पहले से सिग्नल दे दिया है। अब जैसे ही दूसरा सिग्नल हमें मिलेगा, व्हाइट कलर का एरो मिलेगा, हम वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ। तो ये है हमारा दूसरा इंडिकेटर, जहां पर आपको हिस्ट्री में कहीं पे ज्यादा आपको एंट्री नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए हमारा आपको सिर्फ एक बाय का और एक सेल का। जैसे यहां पर एक बाय का बनेगा, तो जब यहां पर दूसरा सेल का बनेगा तो ये सेल वाला सिग्नल गायब हो जाएगा, इसीलिए आपको यहां पर पीछे जो सिग्नल है वो हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा। जो करंट के सिग्नल रहेगा सिर्फ वही आपको देखने को मिलेगा। और इसमें लगभग 7 से ज्यादा स्ट्रेटजियां हैं इस वाले इंडिकेटर में, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं आप RSI भी नीचे है और बाकी यहां पर अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लग रहा है। यहां पर हमें सेल का सिग्नल मिला था, मैं सारे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा हूं। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं और 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ। तो गाइस, ये है हमारा तीसरा इंडिकेटर, ये फुल्ली RSI बेस्ड एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए हमें सेल का सिग्नल मिला, अपना जो RSI है वो टच हुआ ऊपर में और हमें यहाँ पर सेल की सिग्नल मिल गई। ठीक यहाँ पर देखिए हमारा RSI टच हुआ बढ़िया से ऊपर में और फिर यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल मिला। देखिए नीचे भी टच हो रहा RSI, लेकिन ये जितने भी यहाँ पर मूविंग एवरेज आपको दिख रहे होंगे, ये जो लाइन्स हैं, ये जब तक से पूरे कनेक्ट टच नहीं होते तब तक से ये एंट्री नहीं देता। तो देखिए यहाँ पर जो है सारे के सारे टच हो गए, तो यहाँ पर इसने सेल का एंट्री दिया। बाकी देखिए अगल बगल कहीं भी इसने सेल और बाय का एंट्री नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मूविंग एवरेज लगे हैं, जो भी ये RSI के पीरियड है, ये टच नहीं हुआ यहाँ पर नीचे सारे। जब ये सारे टच करेंगे तब जा करके आपका सिग्नल पास होगा।
तो देखिए यहाँ पर हमें एक बाई का सिग्नल यहाँ पर मिला लेकिन फेल। अगर ये इंडिकेटर रिप्रिंट करता तो ये यहाँ से गायब होकर के यहाँ पर आकर के बन जाता। तो जितने भी मैं आपको फ्री में इंडिकेटर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फ्री में दे रहा हूँ तो मतलब कोई मतलब का नहीं है, सारे प्रीमियम इंडिकेटर हैं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट या 15 या 1 घंटा या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे सपोज दैट अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसे करता हूं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखिए हमें कैसा सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक बाई का सिग्नल मिला था, सेकेंड कन्फर्मेशन सिग्नल हमें इस वाले कैंडल पर मिला है। आप इसमें जैसे अगर आपको दूसरी यहाँ पर देखिए हमें सेल का जो सिग्नल है यहाँ पर मिला, हम ट्रेड कब ले सकते हैं जब हमारा क्रॉस ओवर हो गया, जब हम इंट्राडे करते हैं तब। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ट्रेड ले सकते हैं ये अपना एरो बनने के बाद तुरंत। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको होल्ड करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे दूसरा एरो दिखे और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो हमें वहां पर ट्रेड लेना है। तो ये भी इंडिकेटर बहुत खास है, अगर आप इंट्राडे के लिए यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया इसकी एक्यूरेसी है, क्योंकि मूविंग एवरेज और प्लस ये दो एरो का कंफर्मेशन। बाकी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एवरेज यूज करता है, बाकी फिर भी आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये रहे तीनों इंडिकेटर। अब जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको लास्ट में गिफ्ट देने वाला हूं, तो वो क्या होने वाला है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो ये आपको जो फाइल दिख रहा है यहां पर, जो मैं आपको फाइल दिखा रहा हूं, ये एक पूरा बंडल है। इसमें बाइनरी ऑप्शन और आईक्यू ऑप्शन और ट्रेडिंग व्यू का नहीं है, सिर्फ बाइनरी ऑप्शन और आपका आईक्यू ऑप्शन और MT4 के लिए इंडिकेटर मैंने पूरा बंडल डाल रखा है। 100 से भी ज़्यादा ये आपको इंडिकेटर का पूरा जिप फाइल मिलेगा, आप इसे जस्ट 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको 200, 300, 10 रुपये इसका कुछ भी चार्जेस नहीं करूँगा, बस आप 1 क्लिक पे डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, आपको मैं ये सारे प्रीमियम इंडिकेटर फ्री में तो दे सकता हूँ, आप फ्री में यूज़ करें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे वो मैं आपको दे रहा हूँ। अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि सर आप अपने हिसाब से जो सबसे बेस्ट हो वो दे दो। अब देखिए मैं ऐसा नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोग जानते हैं 5 उंगलियां 5 बराबर नहीं है। कोई प्राइस एक्शन पे काम करता है, कोई RSI पे काम करता है, कोई मूविंग एवरेज पे काम करता है, इसीलिए मैं अलग अलग बंडल डाल देता हूँ, जिसको जो अच्छा लगेगा वो उसे यूज़ कर सकता है और बिल्कुल फ्रीडमली, कोई रोक टोक नहीं है। जो आपको यूज़ करना है आप जैसे मन वैसे यूज़ कर सकते हैं। आप सभी को वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर ये सारे इंडिकेटर आप ट्रेडिंग व्यू के लिए चाहते हैं तो नीचे कमेंट में करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे इंडिकेटर को ट्रेडिंग व्यू में कन्वर्ट करके आप सभी को दूंगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।